मान आबे साहब, साहब पहली बात तो यह कि आपको आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद। और असल बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको एक नई इनोवेशन की ज़रूरत है और एक नया एविडेंस बेस्ड मटेरियल कंटेंट जिसकी बेसिस के ऊपर सोसाइटी के अंदर ये जो क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी का क्राइसिस है अबाउट मीडिया, हम इसको कोई नई सिमत दे सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हम सब मिलकर एक ऐसे मीडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे जिस पर लोगों का एतमाद भी होगा और लोग उस एतमाद के साथ एक जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के साथ साथ एक सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, एक ओपिनियन को बिल्ड भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम एक नया कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के इस वक्त का जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसके अंदर कोई नया इनिशिएटिव लेकर एक नई सोच जो है उसको प्रमोट करने और यही वो नई सोच है जुनेद, जिसके लिए मेरे ख्याल में अब बिल्कुल आइडियल वक्त है कि हम वो इनोवेशन करें, वो चेंजेस करें, वो तब्दीलियां करें ताकि हम जो हमारा व्यूअर से कनेक्ट कर सकें। टीम जो कि आपने इकट्ठी की है और आपने जिस तरह पहले भी कहा था कि आपने पूरे मीडिया के जो हीरे हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया, तो इसलिए मुबारकबाद की मुस्तहक हैं आप भी और आपकी सारी टीम। इसके साथ साथ एक फीलिंग की बात करें तो एक नए सुबह, एक नए दिन के आगाज़ की फीलिंग इस वक्त मुझे हो रही है और यकीनन ये एक नया आगाज़ है, एक नई सुबह है इस पूरे मीडिया के लिए भी। तो और एक आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि मसाइल बहुत से हैं इस मुल्क में, लेकिन उनके पूरे ना होने की वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि सब अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन सारी आवाज़ों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल में उन तमाम मसाइल का हल हम तलाश कर सकते हैं।